नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, लेकिन उससे पहले रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर। रायपुर से बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। अरुण साव को लोक निर्माण विभाग दिया गया है, पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम अरुण साव संभालेंगे और यहां बृजमोहन अग्रवाल को शिक्षा विभाग दिया गया। ओपी चौधरी को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा गृह मंत्री के तौर पर काम करेंगे। केदार कश्यप को वन मंत्रालय, रामविचार नेताम को SC/ST मंत्रालय, टंकराम वर्मा को खेल एवं युवा मंत्री बनाया गया है, लक्ष्मी राजवाड़े को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया। सीएम के पास सामान्य प्रशासन विभाग रहेगा, खनिज विभाग रहेगा, ऊर्जा विभाग भी सीएम विष्णुदेव साय के पास ही रहेगा, जबकि श्याम बिहारी जायसवाल को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ी भूमिका में नजर आए मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर। और इसके अलावा जो अब तक जानकारी मिल रही थी कि ओपी चौधरी को विभाग पहले जो दिया जा रहा था संभावित, अब उसमें बदलाव हुआ है। बात करेंगे हमारे सहयोगी आकाश से। आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हो। आकाश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? कुछ जो संभावनाएं चल रही थी उससे काफी हटके लिस्ट आई है, अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ डिटेल्स? जी बिल्कुल, जो संभावनाएं जताई जा रही थी लगातार, उससे कहीं ना कहीं संगठन ने चौंकाया है, क्योंकि टिकट बंटवारे से लेकर पहली बार उन्होंने चौंकाया था जब कई बड़े नाम को हटा दिए गए थे। उसके बाद ही मंत्री पद को लेकर भी चौंकाया, कई नए नाम सामने आए। अब जो है विभाग बंटवारे को लेकर भी चौंकाया, जो क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे कि हालांकि नए जो मंत्री बनाए गए हैं उनको जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको भारी भरकम विभाग दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तालमेल बिठाया गया है, सामंजस्य बिठाया गया है और जो नए मंत्री हैं उनको ताकतवर किया गया है एक हिसाब से, क्योंकि पहली बार कवर्धा से जीत कर आए विजय शर्मा, उन्हें सबसे पहले उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके साथ ही बड़ी एक जिम्मेदारी दी गई है, गृह मंत्रालय उनके जिम्मे आया है, इसके साथ ही उच्च शिक्षा भी वो संभालेंगे। तो एक बड़ा निर्णय यहाँ पर संगठन का है। इसके साथ ही PWD विभाग जो है वो अरुण साव के खेमे में आया। वन मंत्री बनाए गए हैं केदार कश्यप, दयाल दास बघेल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया है, लक्ष्मी राजवाड़े इकलौती जो महिला मंत्री हैं उन्हें महिला एवं बाल विकास की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही श्याम बिहारी जायसवाल जो है उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, वो अंबी सरगुजा क्षेत्र से ही आते हैं और वहाँ से जो पूर्व में मंत्री थे TS सिंहदेव वो भी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी वहीं के ही मंत्री को दी है। भाजपा ने श्याम बिहारी जायसवाल पर भरोसा जताया, तो एक अच्छा विभाग बंटवारे में भी कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश देने का संगठन ने प्रयास किया है और सामंजस्य के साथ ही विभाग का बंटवारा भी किया है। जी बिल्कुल, चर्चा चूंकि इससे पहले संभावित ये हो रही थी कि हो सकता है गृह मंत्रालय अरुण साहब को दिया जाए, जबकि हुआ ठीक उसके उलट। और यहाँ ये जो बदलाव किया गया है, जो संदेश दिया गया है, इसमें एक बड़ी भूमिका कहा जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल की भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और आगे डिटेल देते रहेंगे आपसे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जहां छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया, तो वहीं मध्य प्रदेश में अभी भी इसका इंतजार है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर बड़ी खबर आपको बता दें, विभाग वितरण को लेकर सहमति बन चुकी है, सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी। जल्द ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा, आज देर रात या फिर कल तक इसका ऐलान भी किया जा सकता है। लगातार आप न्यूज 18 के साथ बने रहिएगा, क्योंकि जिस तरह छत्तीसगढ़ की जानकारी मिली ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश की भी जानकारी किसी भी वक्त हम आपको दे सकते हैं। लगातार सूत्रों के संपर्क में हैं हम, जानकारी यही सूत्र दे रहे हैं कि विभागों के बंटवारे पर सहमति लगभग बन चुकी है। दिल्ली के दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गृहमंत्री अमित शाह से मिले और अभी चर्चा ये भी है कि JP नड्डा से मिलकर के नाम लगभग फाइनल किया जाएगा और उसके बाद किसी भी वक्त इसका ऐलान किया जा सकता है। पार्टी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं और जानकारी ये मिल रही है कि किसी भी वक्त या तो आज देर रात तक या फिर कल सुबह तक ये ऐलान किया जा सकता है कि किस मंत्री को क्या विभाग सौंपा जाना है मध्य प्रदेश में।
चलिए बढ़ते हैं आगे। खंडवा अग्निकांड में अपडेट यह मिल रहा है कि मलबे से अब तक सिलेंडर्स निकल रहे हैं, गैस रिफिलिंग की मशीन भी यहां से निकली है और आरोपी के घर के नीचे बने हुए तहखाने में ये अवैध रूप से काम चल रहा था। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, अवैध रूप से बनाए हुए गैस गोदाम का निरीक्षण किया जा रहा है। हालांकि यहां पर सिर्फ मलबा ही मलबा है और सिलेंडर्स यहां से निकल रहे हैं, अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने के लिए जो यहां पर जुगाड़ लगाया गया था वो भी दिखाया जा रहा है। के घासपुरा क्षेत्र में राजेश उर्फ राजा के मकान में बुधवार रात को आग लगी। यहां अवैध रूप से सिलेंडर का भंडारण था, एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। ये मकान बर्बादी का मंजर दिखा रहा है, यहां तबाही का मंजर है और लगातार तीसरे दिन भी यहां काम जारी है। मलबा जो है यहां का वो अब भी सिलेंडर उगल रहा है। यहां जो मकान है उसके पिछले हिस्से में सिलेंडर मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि टीम यहां लगातार जुटी हुई है और सिलेंडर निकाले जा रहे हैं। घटनाक्रम का ये तीसरा दिन है, पुलिस की टीम, खाद्य विभाग की टीम और जिला प्रशासन की टीम लगातार यहां काम कर रही है कि यहां जिसका मकान है राजेश उपराजा उसके खिलाफ कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी बात यह है कि इंदौर संभाग के आयुक्त ने यहाँ की रिपोर्ट मांगी थी और जो रिपोर्ट भेजी गई उसके बाद जो फूड इंस्पेक्टर है अमित चौहान उन्हें निलंबित कर दिया गया, लापरवाह माना गया और यही जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की गई है। साथ ही इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां लगातार तीसरे दिन भी मलबे में से सिलेंडर मिल रहे हैं। एक बड़ा जो घटनाक्रम था वो यहां हुआ, हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, 7 लोग घायल हुए जिनमें से 2 का उपचार इंदौर में चल रहा है। आगे और भी कार्रवाई की बात सामने आ रही है, कितनी बड़ी कार्रवाई होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। अमित जायसवाल, न्यूज 18, खंडवा। और उज्जैन में एक बार फिर रैप सॉन्ग में महादेव का नाम लेने पर महाकाल मंदिर के पुजारी ने कड़ी आपत्ति जताई है और गाने से महादेव के नाम को हटाए जाने की मांग की है। एक बार फिर रैप सॉन्ग में आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल करने पर बवाल मच गया। महाकाल मंदिर के पुजारी ने रैप सॉन्ग में महादेव के नाम का इस्तेमाल करने पर कड़ी आपत्ति जताई है और सिंगर को चेतावनी देते हुए गाने से महादेव का नाम हटाए जाने के लिए कहा है, साथ ही गाने पर प्रतिबंध लगाए जाने की भी मांग की है। आज पुनः एक गाना ऐसा आया है जिसके अंदर गणपत नाम लेकर बाद में भोलेनाथ का नाम लिया, ये दुर्भाग्य है। हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि देश के अंदर अब सनातन धर्म के देवी देवताओं का मखौल उड़ाने वालों के खिलाफ ऐसा कानून आना चाहिए जिसमें सजा का प्रावधान हो, जिसके अंदर जुर्माने का प्रावधान हो और ऐसी जो अश्लील फिल्म और अश्लील गाने जब जब भी आते हैं सरकार की नजर में उस पर सख्त कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। 10 नवंबर को ये गाना रिलीज हुआ था, इसके पहले भी एक रैपर सिंगर के द्वारा सनक एल्बम में भगवान महाकाल का नाम लिया गया था। गाने पर विवाद होने के बाद उन्होंने माफी मांगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए इस पूरे मामले को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया अब तक सामने आई वो भी आपको दिखा दें। लोग बनने के बाद जिस प्रकार से बाबा महाकाल की ख्याति फैली है उसके बाद अगर किसी गाने में भोलेनाथ जी का नाम लेकर अगर अश्लीलता अगर उसमें दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है तो वो चीज़ गलत है। इसी ये गाना मैंने भी सुना है, ये गाना बहुत खराब गाना है और बाकी के बाबा महाकाल का नाम आ रहा है, शिव का नाम आ रहा है तो ये गाना होना ही नहीं चाहिए। गाना किसी भी गाने के अंदर अश्लील शब्दों के साथ में किसी भी देवी देवता का नाम आए तो कोई भी व्यक्ति उसको पसंद नहीं करेगा और इसमें भगवान भोले का नाम लिया गया है तो हम इसकी पूरी तरह निंदा करते हैं और ऐसे गाने अभी क्या भविष्य में भी कभी नहीं बनना चाहिए। इंदौर में ट्रेन हादसे की जांच होगी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पूरी दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इंदौर में ट्रेन हादसे की जांच होगी, रेल मंत्री ने जांच के आदेश दिए। रतलाम डीआरएम को नए ट्रेन के ट्रायल के दौरान 2 छात्राओं की मौत के मामले में जांच को कहा गया है। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मामले की जांच की मांग की थी। दरअसल इंदौर में गुरुवार को नई ट्रेन के ट्रायल के दौरान 2 छात्राओं की मौत हो गई थी।
वहीं इस ट्रेन हादसे में एक छात्रा बाल बाल बच गई। न्यूज 18 से बातचीत में छात्रा ने बताया कि कैसे यह हादसा हुआ। दोनों बातें करते करते आ रहे थे और मैं पहले आ गई थी तो इस साइड में खड़ी थी और उस वाली पटरी पे वो दोनों मतलब उन लोगों को लगा कि इधर से ट्रेन आ रही है और वो वहाँ पे शायद खड़े थे तो मुझे लगा कि शायद नीचे उतर गए होंगे और फिर ट्रेन मतलब मैं भी वहीं पे खड़ी थी लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, इतनी तेज ट्रेन गई और फिर सब वहाँ से घर वाले बाहर निकले जो आस पास घर वाले थे। फिर उसके बाद में मुझे लगा कि नई ट्रेन की पटरी डली है तो शायद इस वजह से भी आवाज आ रही है। उनको परिवार को मिले, उन जो परिवार की जो बेटियां हैं दो, एक जगह तीन बेटियां थी उसमें की घटना में दो बेटियों का शिक्षा का वहन मैं करूंगा, मैंने संकट उस परिवार की देख रेख। इस संकट की घड़ी में पूरी मध्य प्रदेश की सरकार, देश की सरकार और अधिक से अधिक सहायता मिले में मुख्यमंत्री जी से बात भी इसमें लेकिन प्रारंभिक लापरवाही सामने आ रही है। अब आप जानते हैं रेल विभाग की जांच के आदेश हो गए हैं, दो तीन दिन प्रतीक्षा करो, जांच में जो दोषी आएगा उस पर कड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि इंदौर में कोचिंग क्लास के बाद तीन छात्राएं घर वापस लौट रही थीं, तभी रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के दौरान उन्हें ट्रेन नहीं दिखाई दी क्योंकि यहां नया ट्रैक बिछाया गया था, इसलिए छात्राओं को यह अंदाजा नहीं था कि यहां ट्रेन आ सकती है। तीन में से एक छात्रा तो निकल गई लेकिन दो छात्राएं ट्रेन की चपेट में आ गईं, जिससे उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस दौरान परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। और भोपाल में भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल एक बस और एक एम्बुलेंस की टक्कर में दुर्घटना होने की जानकारी मिल रही है। हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई। बेरसिया रोड पर यह हादसा हुआ जहां इस हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है बेहद खतरनाक यह हादसा था। भोपाल में हुए सड़क हादसे की जानकारी आपको दे रहे हैं। बेरसिया रोड पर यह दुर्घटना हुई जिसके बाद की तस्वीरें सामने आई और एम्बुलेंस ड्राइवर की इस दुर्घटना में मौत हो गई। मध्य प्रदेश में अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। छतरपुर और इंदौर में अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। छतरपुर में हत्या के दो आरोपियों के अवैध निर्माण पर निगम का हथौड़ा चला और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन की ये कार्रवाई बिजावर इलाके में हुई और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक गुंडा है कल्लू खान और अन्य एक चुन्नू खान, इनके मकान जो कि बगैर अनुमति के बने हुए थे इनका ध्वस्तीकरण किया गया है। अभी कुछ दिन पूर्व थाना बिजावर अंतर्गत एक रशीद खान नामक युवक की हत्या हुई थी जिसमें ये दोनों आरोपी थे। वहीं इंदौर में भी अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर चला। त्रिवेणी नगर निगम में निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त किया गया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई। दरअसल प्रतिबंधित क्षेत्र में ये निर्माण कार्य चल रहा था। एमपी में मोहन सरकार बनने के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है और आने वाले समय में भी ये जारी रहेगी। रिपोर्ट न्यूज 18। और इंदौर में रईस जादू की एक बार फिर ऐसी करतूत सामने आई जिसे देखकर हर कोई यही कहेगा कि अब बस करो। एक बार फिर रईस जादू ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देखिए क्या किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें नंबर आप देख सकते हैं साफ साफ नजर आ रहा है। ये चलती हुई गाड़ी के ऊपर बैठे हुए चार लोग नजर आ रहे हैं और ये देखिए ट्रैफिक नियमों की अवहेलना तो हो ही रही है। अपनी जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कार की छत पर हुड़दंगी बैठे हुए, ना इनको किसी ने रोका ना टोका, ये खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस भी बेखबर है। सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। नंबर आप देख सकते हैं, हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में कई बार ऐसे एक्शन ले चुकी है कि नंबर को आइडेंटिफाई करके चालान भेजा जा सकता है। एक महंगी गाड़ी की छत पर सवार होकर के यहां नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
बैतूल में एक शख्स की स्टंटबाजी सामने आई, जहां पर रील बनाने के लिए सड़क पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाकर रील बनाई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये मुलताई से सामने आई, जहां ताप्ती मार्ग पर भीड़ के बीच शख्स स्टंट कर रहा है। बाइक पर कभी खड़ा हो जाता है, कभी एक पहिए पर बाइक चला देता है। ये वीडियो वायरल होने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई। आपको बता दें कि ऐसे स्टंटबाजों की वजह से आए दिन सड़कों पर हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन फिर भी ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये दो तस्वीरें इंदौर और बैतूल से सामने आई, जहां पर एक जगह है, एक कार की छत पे चार लोग बैठे तो एक बाइक के ऊपर एक शख्स खड़ा होकर अपने संतुलन का परिचय दे रहा है। और यह परिचय जब और लोगों से होता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो जाता है। इंदौर से, बैतूल से दो अलग अलग तस्वीरें। और भोपाल में सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल स्कूल की छत का प्लास्टर ही टूटकर गिर गया। शाहजहानाबाद में सरकारी स्कूल की एक छत टूटकर उसका प्लास्टर गिरा। बाल बाल बच्चे, बच्चे और टीचर यहां पर मौजूद थे। क्लास में करीब 20 बच्चे और टीचर था मौजूद उस वक्त। घटना जब हुई उस दौरान किसी तरह से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। हालांकि घटना की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। और छतरपुर में दुकानदार से मारपीट, दुकानदार का अपहरण कर मारपीट की गई। आरोपियों ने बाइक बांध कर घसीटा। पुरानी रंजिश में यह मारपीट की गई थी। 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और ग्वालियर में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी। गोदाम में रखे हुए थे प्लास्टिक के ड्रम, गोदाम में रखे थे पटाखे और पटाखों में धमाका हो गया। और अवैध तरीके से ये गोदाम यहां पर बना हुआ था। नगर निगम के 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दरअसल पुरानी छावनी थाना के बरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर सिवनी से, जहां केवलारी नगर परिषद के अध्यक्ष सुनीता बघेल के पति देवी सिंह बघेल ने नगर परिषद की बैठक में हंगामा किया। हंगामे का वीडियो सामने आया। दरअसल नगर परिषद कार्यालय में शहर के विकास कार्यों की रूपरेखा की चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी की सहमति से प्रस्ताव बनाए जा रहे थे। तभी नगर परिषद अध्यक्ष पति ने बैठक में दखलंदाजी करते हुए पार्षदों और उपयंत्री से विवाद शुरू कर दिया। अध्यक्ष पति ने उपयंत्री को धमकी तक दे डाली। घटना के बाद पार्षदों और उपयंत्री ने अध्यक्ष पति पर नगर परिषद के काम में अनावश्यक दखल देने का गंभीर आरोप लगाया। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के आसपास अक्सर मारपीट की खबरें आती हैं। ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया, जिसमें महिलाएं एक दूसरे को पीट रही हैं और इस दौरान महाकाल मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ दिखाई दी। और यह घटना महाकाल थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई। यहां पर पुलिस की मौजूदगी थी, उसके बाद भी यह सब कुछ होता रहा। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। श्रद्धालुओं के मन में ऐसी घटनाओं को लेकर खौफ बन जाता है। उज्जैन एडिशनल एसपी जयंत राठौर ने कहा कि रुद्राक्ष बेचने वाली महिलाओं के बीच यह विवाद हुआ था। हरदा जिले में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला हरदा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के दूध डेयरी इलाके का था, जहां 18 दिसंबर 2018 को हथियारबंद लोगों ने पिता पुत्र की हत्या कर दी थी। और मंडला में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां बसों का रियलिटी चेक किया गया। जिला परिवहन अधिकारियों ने वाहनों की जांच की। परिवहन विभाग ने ग्रामीण इलाकों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 वाहनों को बिना परमिट, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट दौड़ते पाया गया तो जब्त किया गया। विभाग ने 7 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की और इन सब से 21,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला जा चुका है। आपको बता दें कि
दुर्घटना के बाद प्रशासन जागा, ये भी एक राहत की बात कही जा सकती है, चूंकि न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब इस तरह के बसों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जांच की जा रही है। बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं खबरों का 2020।